हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी कंपनी के अंदर जब कोई स्टॉक आइटम बनाते हैं तो उसमें ओपनिंग स्टॉक कैसे डालते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और शायद अगर आप बिगिनर हैं तो ये क्वेश्चन आपके भी दिमाग में आया होगा या आपसे पूछा गया होगा कि आखिरकार ओपनिंग स्टॉक डाला जाए तो कैसे डाला जाए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिएट कंपनी, जब भी स्टार्ट करेंगे तो नई कंपनी से ही स्टार्ट करते हैं हम, तो जल्दी से नई कंपनी बना लेते हैं। तो क्या करना है, इसमें सीधे क्रिएट कंपनी पे जाना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो आएगी। अब यहां पर उस कंपनी का नाम डाल दीजिएगा जो भी कंपनी का नाम हो। ठीक है, तो यहां पर कर देते हैं xyz@the rate। ठीक है, ये कंपनी का नाम हो गया और यहां पर कंपनी का जो एड्रेस है, जहां की कंपनी है, वो एड्रेस यहां पर आपको टाइप कर देना है। तो वो एड्रेस टाइप करने के बाद आपको एंटर करना है, एंटर करना है और यहां पर देना है स्टेट का नाम। तो यहां पे उत्तर प्रदेश कर देते हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश कर दिया। लोकल एरिया का पिन कोड आएगा तो यहां पर आपको डालना है क्या, पिन कोड। पिन कोड डालने के बाद एंटर 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 करके इसको करवा लीजिएगा एक्सेप्ट। ठीक है, बाकी सब चीजें देख ही रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, दोनों ही 1 अप्रैल 2024 से मैंने रख दिया है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से ही रहेगा लेकिन बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम ये जो है इसको भी मैंने 1 अप्रैल ही रखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से सीधा कंट्रोल ए कर देंगे। वैसे आप चाहे तो जीएसटी चालू कर सकते हैं, यहां से चालू हो जाएगा आपका जीएसटी। ठीक है, लेकिन फिलहाल कंट्रोल ए कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो यानी कि हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, सीधा क्रिएट पे चलना है। तो ये क्रिएट पे गए और क्रिएट पे जाने के बाद स्टॉक आइटम पे जाना है और यहां पे आपको स्टॉक आइटम नजर आ रहा है, एंटर करिएगा। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा स्टॉक आइटम क्रिएशन। ठीक है, अब स्टॉक आइटम क्रिएशन कैसे करना है उसको देखिए और यहां पर ओपनिंग स्टॉक कैसे डालना है उसको देखते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए स्टॉक आइटम में मैंने रख दिया कीबोर्ड, तो यहां पर देखिए कीबोर्ड रख रहा हूं मैं, KEYBOARD। तो ये हो गया कीबोर्ड, एंटर किया एंटर किया, एंटर करेंगे। यहां पर आते हैं तो यूनिट्स पूछेगा, तो यहां पे यूनिट बना लेते हैं। तो कीबोर्ड का यूनिट अब मैंने आपको पहले बताया ही है, NOS यानी कि नंबर्स होता है। फॉर्मल नेम यहां पे नंबर्स दे ही देना है आपको और ये दे करके एंटर करिएगा। एन प्रेस करते हैं, एंटर कर देते हैं, एंटर कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। ठीक है, अल्टरनेट यूनिट हमें रखना ही नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं और एंटर करके यहां पर आते हैं। ये वो जगह है जहां पर आपको ओपनिंग स्टॉक डालना है, याद रखिएगा, ये वो जगह है जहां पर आपको ओपनिंग स्टॉक डालना है, यानी कि आप कितने से ओपनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास 30 है तो 30 से हम ओपनिंग करेंगे और रेट क्या डालेंगे, एक की रेट यहां पर डाल देते हैं 300, तो इसके हिसाब से 9000 की वैल्यू हो गई। अब एंटर कर लेंगे, यही आपका ओपनिंग स्टॉक है। तो जब भी आप कोई स्टॉक आइटम बनाए तो इस तरीके से ओपनिंग स्टॉक डाल सकते हैं। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी कि ओपनिंग स्टॉक कैसे डालें, ये बात आपको एकदम क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब जब आप कोई भी एंट्री करेंगे, जैसे परचेज में ही एंट्री करते हैं आप, तो यहां पर परचेज वाउचर में आए, सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डाला, एंटर किया एंटर किया, और यहां पर हम क्या करेंगे, कैश में ही एंट्री कर रहे हैं, एंटर करते हैं एंटर करते हैं एंटर करते हैं और एंटर करते हुए यहां पर आएंगे रेगुलर, यहां पर जीएसटी फाइल करेंगे हम, तो यहां पर कुछ इस तरीके से ये जीएसटी आईएन आ जाएगा, एंटर करेंगे और यहां पर आएगा परचेज का लेजर, तो यहां पे PURCHASE परचेज अकाउंट हो जाएगा और एंटर करेंगे एंटर करेंगे और यहां पी प्रेस करेंगे, परचेज अकाउंट हो जाएगा, एंटर करेंगे एंटर करेंगे और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो फिर यहां पर वो स्टॉक आइटम लेके आना है हमें, तो हमारे पास कीबोर्ड नाम का स्टॉक आइटम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 NOS दिखा रहा है। ठीक है, यानी यहां पर हम आए और अगर हमने 30 परचेज कर लिया, वैसे क्वांटिटी हमारे पास 30 है, ठीक है, हमने ओपनिंग बैलेंस क्या डाला है, 30 डाला है और यहां पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराया, तो अभी अगर हम स्टॉक समरी पे जाते हैं तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपको एक बात तो तय है कि 30 स्टॉक आइटम हमने ओपनिंग स्टॉक आइटम डाला था तो 30 तो वो हो जाएगा और बाकी 30 हमने परचेज भी कर लिया, यानी कि 30 और भी हमारे पास आ गए, तो दोनों को मिला के 60 यानी 60 स्टॉक आइटम यानी कीबोर्ड 60 होना चाहिए हमारे पास। आइए देखते हैं ओपनिंग स्टॉक डालने का फायदा क्या है। तो ओपनिंग स्टॉक डालने का फायदा यह है कि देखिए आपने यहां पे 30 डाला था यानी परचेज में 30 किया था और यहां ओपनिंग स्टॉक पहले ही 30 कर दिया था, तो यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, आप 60 दिखाई पड़ रहा है, यानी ये डबल हो गया कि नहीं हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक डालने का तो फायदा है ही है, याद रखिएगा ओपनिंग स्टॉक जब भी डालेंगे
तो वो उतना अमाउंट आपके पास है ये बात शो हो जाएगी। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक का क्या मतलब होता है और इसे कैसे डाला जाए, ये दोनों ही बात आई होप कि आपको पूरी तरह से क्लियर हुई होगी। तो एक और स्टॉक आइटम बनाते हैं हम, यहां से क्रिएट पे चलते हैं और यहां से चलते हैं स्टॉक आइटम पर और यहां जाकर के एक और स्टॉक आइटम माउस बना लेते हैं, देखते हैं आखिरकार इसमें स्टॉक आइटम ऐड हो रहा है या नहीं। तो यहां पे लिखा हमने MOUSE माउस, ठीक है, एंटर किया। यहां पर भी ये नंबर सी रहेगा तो जो यूनिट हमने पहले बनाई थी वही यूनिट यहां पे लगा भी देते हैं तो ये NOS हो गया। एंटर करेंगे और एंटर करते हुए यहां नीचे आएंगे। इस बार हम इसमें 10 करते हैं या 15 कर देते हैं, 15 कर दिया, रेट डाल देते हैं। तो रेट इसका मान लीजिए कि ₹130 पड़ा और ₹130 के भाव से ₹1950 का हमने माउस अपने पास मंगवा लिया है। क्वांटिटी कितनी है, 15 है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बाहर आते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां से बाहर आ रहा हूं इसके बटन प्रेस करके, ठीक है, बाहर आ गए और बाहर आना इसके बटन प्रेस कर दीजिए। और यहां पर हमें कहां चलना है, स्टॉक समरी में जहां भी गए थे हम, तो फिर यहां पे एस प्रेस करना है। तो जरा देखिए माउस में जो क्वांटिटी है कितनी दिखाई पड़ रही है, 15 दिखाई पड़ रही है। यानी अगर आप ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, ओपनिंग अगर करेंगे, यानी जब भी आप स्टॉक आइटम बना रहे हैं उसी समय ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, तो फायदा ये होगा कि आपका स्टॉक आइटम उसमें ऐड हो जाएगा कि आप कितने स्टॉक आइटम से ओपनिंग कर रहे हैं, वो स्टॉक आइटम आपके स्टॉक में शो करेगा। ये याद रखिएगा मेरी बात हमेशा कि वो स्टॉक आइटम आपके स्टॉक में शो करेगा। इसका एक और एग्जांपल मैं आपके सामने दे देता हूं। जैसे मान लीजिए अब हम यहां पे चलते हैं वापस क्रिएट पर, फिर से एक और एग्जांपल देखेंगे, जल्दी से दिखाता हूं। यहां पर स्टॉक आइटम पे आएंगे और स्टॉक आइटम पे आने के बाद यहां पे लिख देता हूं प्रिंटर, PRINTER। अभी प्रिंटर नाम का कोई स्टॉक आइटम बनाया नहीं था, अब बना रहा हूं और यहां NOS किया और यहां पर एंटर करके आएंगे, एंटर करेंगे और यहां पर जैसे ही आते हैं तो अगर हमारे पास 10 प्रिंटर हैं तो 10 लिखा और एक प्रिंटर 7000 का रहा, यहां पे डाल दिया हमने। तो ये देखिए अब ये हो गया ना। तो अब जब स्टॉक समरी में जाएंगे वापस, यहां से बाहर आकर के गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे और यहां से एस प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास प्रिंटर भी 10 दिखाएगा। तो क्या सेल करते समय ये अमाउंट जो है हमें मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। देखिए कैसे, यहां पर आए, वी बटन प्रेस किया, F8 प्रेस कर लिया, F8 प्रेस करते ही आ जाएंगे सेल्स वाउचर में। अगर हम कैश में सेल कर रहे हो, देखिए कैश ही लगा लिया हमने और यहां पर आकर के, और यहां पर एक आएगा सेल्स अकाउंट का लेजर, तो यहां सेल्स अकाउंट कर लेते हैं, एंटर किया। यहां पे सेल्स अकाउंट के ग्रुप में ये जाएगा तो ये सेल्स अकाउंट हो गया, एंटर किया, एंटर करके एक्सेप्ट कराया। अब यहां पे कीबोर्ड है 60 लेकिन हमने क्या बनाया था, प्रिंटर, तो प्रिंटर 10 नजर आ रहा है। तो अगर हम इसको सेल करना चाहें तो क्या सेल कर सकते हैं, तो अगर 5 हम सेल कर रहे हैं और एक को हम सेल कर रहे हैं 15000 का, ध्यान दीजिएगा 15000 का सेल कर रहे हैं, तो क्या ये जो है माइनस हो जाएगा स्टॉक में से, क्योंकि हमारे पास जितना था उसमें से तो अब 5 हम सेल कर रहे हैं तो 5 तो माइनस हो जाएगा। तो अगर हम सेल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम सेल कर रहे हैं तो देखिए ये माइनस हो रहा है या नहीं, तो बाहर आएंगे। अब स्टॉक समरी देखते हैं तो यहां पे देखिए प्रिंटर 10 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया, यानी कि स्टॉक भी माइनस हो जाएगा, ये बात 100% गारंटीड है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका कि नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।